मैं पिछले 12 साल से परीक्षण करता हूं, 48 बीमारियां हमारे शरीर की ऐसी हैं जो गाय के मूत्र से जड़ से ठीक हो जाती है। ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटीज, अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल निमोनिया, ऐसी खतरनाक 48 बीमारियां गाय मूत्र पीने से जड़ से ठीक हो जाती है। आप बोलेंगे कैसे पीना है? आधा कप गाय का मूत्र सवेरे सवेरे खाली पेट पीना, आधा कप गाय का मूत्र सवेरे सवेरे खाली पेट पीना, सवेरे रोज बस, और देशी गाय का पीना 3-4 महीने लगातार पी लो, सब बीमारी मिट जाए। आंखों में बीमारी है तो एक एक बूंद गाय का मूत्र आंखों में डाल लो, आंखों की बीमारी मिट जाए। कान में बीमारी है, कान में डाल लो, कान की बीमारी मिट जाएगी। सिर के बाल अगर झड़ते हो और बहुत ज्यादा रूसी आती हो, डेंड्रफ, गोमूत्र को पानी में मिला के बाल की मालिश कर लो, वो भी बीमारी मिट जाएगी। पांव में ठेक पड़ जाती है कई बार और पांव कट जाते हैं, फट जाते हैं, क्रैक्स, गाय मूत्र की मालिश करके रात को सो जाओ, ये बीमारी भी मिट जाएगी। खाज हो जाए, खुजली हो जाए, गोमूत्र की मालिश करो, खाज खुजली मिट जाएगी। दाद हो गया, एक्जिमा, सोराइसिस, उस पे मालिश करो, वो भी मिट जाएगी। ऐसी बीमारी नहीं जो गोमूत्र से ना मिटे, बस इसको पीना है और लगाना है। अब बहुत लोग कहते हैं गोमूत्र पिएंगे कैसे, उसमें बास आती है, तो मुझे ये बताओ दारू कैसे पी लेते हो, उसमें तो और भी बास आती है। दारू की बोतल पे बोतल गटक सकते हैं तो गोमूत्र क्यों नहीं पी सकते? बस आधा कप पीना है। और आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि जो लोग आधा कप गोमूत्र रोज पी सकते हैं उनकी दारू छूट जाती है, क्योंकि गाय के मूत्र में भी सल्फर है और बहुत अधिक मात्रा। दारू छूटती है, बीड़ी छूटती है, शराब, गुटखा, मावा, पान पराग सब छूट जाता है। और कभी कभी मुंह खराब हो जाता है ना, गुटखा खा खा के और इतना खराब हो जाता है कि मुंह में फोड़ा हो जाता है, जिसको हम कैंसर की पहली स्टेज कहते हैं। उसमें गोमूत्र मुंह में भरो, ऐसे ऐसे मुंह में भर के उसको घुमाओ और कुल्ला करना शुरू कर दो, वो फोड़ा भी मिट जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गोमूत्र से मुंह का फोड़ा मिटा के फिर गुटखा खाएं, छोड़ देना ही अच्छा। तो आप इस गोमूत्र का दवा के रूप में इस्तेमाल करो, व्यसन को छोड़ने में इस्तेमाल करो, शरीर की बीमारियों को दूर करने में इस्तेमाल करो। माताएं बहनें यहां बैठी हैं, उनको एक बात बताने का दिल कर रहा है कि बहुत सारी माताओं बहनों को जब गर्भावस्था होती है ना, तो डॉक्टर कई बार कहता है कि सीजेरियन ऑपरेशन कराओ नहीं तो बच्चा नहीं आएगा, और उसके 20 बहाने वो बताते, कभी कहेंगे जगह छोटी है, कभी कहेंगे ये बीमारी, कभी वो ये। आप कुछ मत करो, बस एक काम करना, किसी गाय की बछड़ी का मूत्र लेना आधा कप, और उसमें 100 ग्राम गोबर उसका घोल लेना, गोबर मूत्र घोल के उसको कपड़े से छान लेना, और जिस माँ को गर्भावस्था है और डॉक्टर चिल्ला रहा है कि ऑपरेशन कराओ, ऑपरेशन मत कराना, वो पिला देना उसको 2-3 घूंट सुबह, 2-3 घूंट दोपहर, 2-3 घूंट शाम, रात को बच्चा अपने आप बड़े आराम से बाहर आ जाए, कोई ऑपरेशन नहीं करना पड़े। मैंने हजारों माताओं बहनों की डिलीवरी इस गोबर गोमूत्र से फोकट में कराई, और ये गोबर गोमूत्र में इतनी ताकत है, मैं आपको एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी को सरल भाषा में समझाता हूँ। बच्चा कई बार उल्टा हो जाता है गर्भाशय में, तो डॉक्टर कहते हैं अब तो कोई इलाज नहीं, काटना ही पड़ेगा पेट। गोबर गोमूत्र की 3 डोज दे दो, वो उल्टा बच्चा सीधा हो जाता है। गाय के मूत्र में इतनी ताकत है, इसलिए आप इसको पीना शुरू करो, पिलाना शुरू। आंखों की एक बीमारी है जो दुनिया में कभी ठीक नहीं होती, उसको रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं, अमेरिका में भी इलाज नहीं है उसका। और एक ग्लूकोमा, बिना ऑपरेशन ठीक ही नहीं होता। ये दोनों बीमारी एक एक बूंद गोमूत्र से 3 महीने में जड़ से मिट जाती है। जिनको चश्मे चढ़ गए हैं ना, चश्मा उतारना है तो गोमूत्र डाल लो तो चश्मा उतर जाता है। सब तरह की बीमारी आपकी खत्म करता है गाय का मूत्र, क्योंकि गोमूत्र में 18 तरह के रासायनिक तत्व है। सल्फर उसमें है, कैल्शियम उसमें है, आयरन उसमें है, मैग्नीशियम उसमें है, मैग्नीज उसमें है, प्रचंड मात्रा में है, मुफ्त में है और बिना किसी साइड इफेक्ट के। अभी तक तो आप दूध पीते थे, लेकिन दूध तो गाय हमेशा देती नहीं है, अब मूत्र तो जिंदगी भर देगी। तो मैं किसानों से कहता हूँ, गाय को दूध के लिए मत पालो, मूत्र के लिए पालो। दूध मिले तो बोनस।